बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। एक लाख के इनामी डकैत मंगेश यादव एनकाउंटर केस में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी राज्य में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया। उन्होंने इसे प्लॉइंटर्स की मदद से लोगों को बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ और फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ। हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। सपा सांसद ने बीजेपी का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा भंडाफोड़ होने पर आपने दोयम दर्जे के नेताओं को आगे करके शीर्ष नेताओं को बचाया, फिर जिसका दाना उसका गाना वाले संबंधों को निभाने वाले मीडिया को दुष्प्रचार के लिए लगाओ। साथ ही झूठ में पारंगत अपने तथाकथित बड़े बीजेपी नेताओं से ऐसे गैर कानूनी एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए तर्कहीन बयानबाजी करवाओ। उन्होंने आगे कहा कि जब कभी लोगों का आक्रोश बढ़ने लग जाए, औपचारिक दिखावटी जाँच करा कर मामला रफा दफा किया जाता है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर के ठठेरी बाजार में सराफा भरत सोनी के यहां 28 अगस्त को हुई डकैती में वंचित 1 लाख के इनामी जौनपुर के मंगेश यादव उर्फ कुंभे को मिश्रपुर पुरान के पास मुठभेड़ में मार गिराया था और इसी के बाद से सियासत लगातार गर्मा रही है।